तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर, देयर इज टू बी और पर्सन नाउन। सेंटेंस में लिख दिया हूँ कल एक कार्यक्रम होने वाला है, कल एक कार्यक्रम होने वाला है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देयर इज टू बी अ प्रोग्राम टुमोरो, देयर इज टू बी अ प्रोग्राम टुमोरो, कल एक कार्यक्रम होने वाला है। देयर इज टू बी नथिंग टूडे, आज कुछ नहीं होने वाला है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना हो तो इस रूल पे बनाएंगे, देयर इज टू बी, देयर इज टू बी। और याद रखें कई तरीके से एक सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इज देयर एनीथिंग टू बी टुमारो, इज देयर एनीथिंग टू बी टुमारो, क्या कल कुछ होने वाला है, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है देयर हैज टू बी, अब यहाँ पर हैज ही होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज ही होगा। तो देयर हैज टू बी उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, तो इसका मतलब है जरूरी है, किसी चीज़ का होना जरूरी है तो हैज टू बी यूज करेंगे। कैसे, देखिए मेरे गांव में एक अस्पताल का होना जरूरी है तो देयर हैज टू बी अ हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गाँव में एक अस्पताल का होना जरूरी है। देयर हैज टू बी पीस इन द कंट्री, और देश में शांति होना जरूरी है, शांति का होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइए। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर देयर मस्ट बी प्लस नाउन, इसका यूज कैसे करेंगे? वर्ग में अवश्य शांति होनी चाहिए, मतलब नेसेसिटी का बोध करा रहा है, आवश्यकता का बोध करा रहा है। जैसे देयर मस्ट बी पीस, अवश्य शांति होनी चाहिए इन द क्लासरूम, वर्ग में। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी डेवलपमेंट इन द विलेज, मतलब गांव में अवश्य विकास होने चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी नॉइस इन द रूम, और इस रूम में अवश्य हल्ला शोरगुल नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पर नेसेसिटी का बोध कराना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो उसमें देयर मस्ट बी का यूज आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं देयर लिव्स या लिव्ड, प्रजेंट और पास्ट तो आप समझ गए। तो कोई रहता था, लिव का मतलब रहना होता है, रहता था या रहता है, उसमें प्लेस का भी बोध होगा। जैसे मेरे गांव में एक साधु रहता था, तो देयर लिव्ड अ सेंट इन माई विलेज, मेरे गांव में एक साधु रहता था। लेकिन रहता है तो देख लीजिए देयर लिव्स अ माइजर इन माई विलेज, मेरे गाँव में एक कंजूस रहता है। कंजूस, आप कंजूस नहीं है, किसी और के बारे में। तो देयर लिव्स अ माइजर इन माई विलेज, मेरे गांव में एक कंजूस रहता है। तो रहता है तो लिव्स, और रहता था तो लिव्ड। तो नेक्स्ट देख लेते हैं देयर इज नो टाइम टू, मतलब देयर इज नो टाइम के बाद में इन्फिनिटिव का यूज करना है। समय नहीं है, अगर किसी काम के लिए आपके पास समय नहीं है तो आप देयर इज नो टाइम टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। जैसे अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी पढ़ने का समय नहीं है, तो देर इज़ नो टाइम टू स्टडी नाउ। अब स्टडी यहाँ पर जो है ये वी वन है, और स्टडी नाउन का भी काम करता है, तो हम स्टडी से पहले टू का यूज किया है, इसका मतलब ये वर्ब है। देर इज़ नो टाइम टू प्ले नाउ, अभी खेलने का समय नहीं है, अभी आपसे बात करने का समय नहीं है, अभी मुझे वहाँ जाने का समय नहीं है, अभी मुझे यह काम करने का समय नहीं है, तो देर इज़ नो टाइम, देर इज़ नो टाइम टू यूज करेंगे। इज़ देयर टाइम टू टेक रेस्ट नाउ, क्या अभी आराम करने का समय है, क्या अभी आराम करने का समय है, क्या अभी खाना खाने का समय है, क्या अभी उससे बात करने का समय है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में इसका अधिक यूज होता है, आप इसे जुबान पे रखिए। नेक्स्ट है देयर इज नथिंग टू, कुछ भी नहीं है, अगर कोई चीज़ के लिए कुछ भी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो देयर इज नथिंग बोलेंगे। लेकिन एक सेंटेंस स्पेशल सेंटेंस है जो बहुत ही बोली जाती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू वरी, मतलब कोई ऐसी वजह ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस वजह से, जिसके कारण चिंता की जाए, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, देर इज नथिंग टू वरी। नेक्स्ट है देर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देर इज नथिंग टू ईट, देर इज नथिंग टू सिट, देर इज नथिंग टू डू दिस वर्क, तो इस तरीके से आप कुछ बोला हो कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो देर इज नथिंग टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है देर इज गोइंग टू बी प्लस नाउन, मतलब कुछ होने जा रहा है, उस कंडीशन में देर इज गोइंग टू बी का भी यूज कर सकते हैं। और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं जिसके जरिए आप कुछ घटित होने जा रहा है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर देर इज गोइंग टू बी बताने जा रहे हैं। जैसे अगले महीने मेरी परीक्षा होने जा रही है, प्लानिंग है कुछ होने जा रही है, तो देर इज गोइंग टू बी माई एग्जाम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरी परीक्षा होने जा रही है। नेक्स्ट है देर इज गोइंग टू बी हिज मैरिज नेक्स्ट ईयर, और अगले साल उसकी शादी होने जा रही है। तो कुछ प्लानिंग है, कुछ होने जा रहा है, तो वहाँ पर देर इज गोइंग टू बी आसान हो जाता है, सोचना विशेष नहीं पड़ेगा, देर इज गोइंग टू बी बोल सकते हैं। देर इज गोइंग टू बी असेंबली पोल इन बिहार, मतलब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। तो इस कंडीशन में देर इज गोइंग टू बी बोलना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट है देयर हैज़ बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्कूल में शिक्षकों की कमी रही है, कमी रही है, याद रखें सेंटेंस कैसा होगा, कमी रही है का मतलब है कि पास्ट में भी और अभी भी कमी है। तो देयर हैज़ बीन लैक ऑफ टीचर्स इन स्कूल, स्कूल में टीचर्स की, शिक्षकों की कमी रही है। नेक्स्ट है देयर हैज़ नेवर बीन गुड रोड्स इन माई विलेज, और मेरे गांव में कभी भी अच्छी सड़कें नहीं रही है, मेरे गांव में कभी भी अच्छी सड़कें नहीं रही है। तो देयर हैज़ नेवर बीन याद कर लीजिए, इसको जुबान पर रखिए ताकि आप बोलते समय लिखते समय विशेष सोचना नहीं पड़े आपको। तो चलिए उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे सभी। तो आपसे पूछ ही लेते हैं और देखते हैं कि आप सचमुच में सीखे या नहीं। तो आज का सवाल है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम बता चुके हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि आप कितना कंसंट्रेशन से हमारे वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं, इसीलिए हम बताए गए क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब क्या है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और हम एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।